घटनाओं करे वे पयर रुदवा वाला है घनी घटनाओं करी को सालो यो ही कौम है उनरो केस करे न वे छुडो दो दो केस कर दिया अब एक बेर कर दियो मैंने तो मैं अगर केस करना चाहूं तो मैंने पाची पकड़ लेट नून नून उसके आन भी घूमते हैं मेरे मुंह उतना भी हारे नहीं है मतलब पहुंची थोड़े पहुंची जड़ो सबूतर साथ पहुंचे जड़ो मारो केस दर्ज हो यो मैं आराम से तो मैं उसका कोई दोस्त था पहला वो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कांग्रेस के कद्दावर नेता व बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की इन दिनों मुश्किलें और बढ़ती हुई जा रही है। मेवाराम जैन पर पहले एक और केस दर्ज हुआ, उसके बाद और केस दर्ज हो रहा है मेवाराम जैन के खिलाफ। अब है वो किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। जो आपने जोधपुर भौरी कांड जो केस आपने सुना था कुछ साल पहले, उसी तरह का मामला कहीं ना कहीं बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के ऊपर ही आता हुआ नजर आ रहा है। अब पोस्ट को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो गया। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, जो महिला है उस महिला ने मीडिया से बात करते हुए अपनी पूरी की पूरी पीड़ा थी वो बताई। 5 साल किस तरह महिला को हरासमेंट किया गया, उसके बाद देखिए अब मेवाराम जैन पर है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता का भी इसके अंदर नाम आ सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए मेवाराम जैन के ऊपर पहले एक और केस दर्ज हुआ, जैसे ही मेवाराम जैन की विदाई की जाती है उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी चली जाती है, उसके बाद मेवाराम जैन के खिलाफ जोधपुर और बालोतरा के अंदर एक के बाद एक केस दर्ज होते हैं, उसके बाद मेवाराम जैन की मुश्किलें है वो बढ़ती हुई कहीं कहीं नजर आ रही है। इस पूरे मामले में जो राजस्थान की सरकार है वो भी एक्टिव मोड पर है और नजर बनाई हुई है। पुलिस की जांच ज्यों ज्यों आगे बढ़ रही है उसी तरह नए नए खुलासे, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और मेवाराम जैन की जो मुश्किलें है वो दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि मेवाराम जैन को एक और राहत मिली है कि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी है, परंतु जिस तरह मामले के अंदर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और उसके बाद देखिए महिला ने मीडिया पर आकर जिस तरह हरासमेंट महिला को किया गया, 5 साल तक उनके दोस्त है वह खुद के द्वारा, वो महिला ने पूरा का पूरा मीडिया पर आकर बयान कर दिया और महिला ने यहां तक कह दिया मेरी बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद देखिए जिस तरह से महिला ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए महिला ने, उसके बाद देखिए अब मेवाराम जैन की मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी मेवाराम जैन की इस मामले के अंदर हो सकती है, क्योंकि पोस्को एक्ट का जो मामला है बड़ा संगीन और खतरनाक मामला होता है और जो जोधपुर कांड आपने भंवरी कांड सुना था उसी कांड का ये भी मामला आपको कहीं कहीं नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में जो राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है वो भी एक्टिव मोड के अंदर है और जोधपुर की जो पुलिस है वो भी इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। जो जो जांच आगे बढ़ रही है, जो जो नए खुलासे रोज आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर मीडिया पर जो महिला है वो खुद आ रही है और मीडिया पर आकर अपना बयान दर्ज करा रही है। महिला ने जिस तरह आरोप लगाए कि 5 साल तक हमें किस तरह हरासमेंट किया गया, उसके बाद देखिए अब इस मामले के अंदर जो कोर्ट है वो भी कुछ संज्ञान ले सकता है, इस तरह की जानकारी हालांकि मिल रही है, परंतु इस पूरे मामले की जो मैं है पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, न तो ऑडियो की पुष्टि कर रहा हूं न किसी चीज की पुष्टि कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर जो आज वायरल हो रही है और मेवाराम की जिस तरह से एक्टिविटी बताई जा रही है उसमें संगीन मामला है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी मेवाराम की हो सकती है। इस पूरे मामले में अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई हो। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।